Divya Sharma, www.myfitnessbeauty.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक ऐसे प्रोटीन के बारे में जो सबसे सस्ता है और सबसे बढ़िया। हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत तो होती है, लेकिन आज हम बात करते हैं ऐसे प्रोटीन की जो सबसे सस्ता भी है और सबसे बढ़िया और जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये नहीं कि उसकी कोई बाउंडेशन हो कि सर्दी में नहीं लेना, गर्मी में नहीं लेना, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आइए जानते हैं किस बीमारी में कैसे लिया जाए और ये प्रोटीन कौन सा है जो सबसे सस्ता भी है और सबसे ओरिजिनल भी। तो ये है पंपकिन सीड, यानी कि पेठा जो होता है उसके बीज। इसमें रिच प्रोटीन होता है, इतना प्रोटीन तो जो प्रोटीन पाउडर मार्केट से अवेलेबल होते हैं वे प्रोटीन है, चाहे वो जिम करने वाले जो भी लोग लेते हैं प्रोटीन एक्स आ रहे हैं, तो उसमें भी इतना रिच प्रोटीन नहीं होता जितना कि पंपकिन सीड में रिच प्रोटीन होता है। आपको बता दिया जाए कि हमारी बॉडी को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट तो हम खाने से ले लेते हैं, जो भी हम रूटीन में खाना ले रहे हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उनसे बहुत आराम से कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं। लेकिन प्रोटीन के लिए हमें कुछ सोर्स की ज़रूरत होती है, कुछ अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि हमारी रोज की प्रोटीन की कमी को पूरा कर सके। वो है दूध। दूध जो होता है रिच प्रोटीन सोर्स ज़रूर है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आजकल जो दूध आ रहा है वो प्योर नहीं आ रहा और वो हमारे पूरे दिन की प्रोटीन की कमी को पूरा नहीं कर रहा। जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो एग ले सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन है वो ड्राई फ्रूट लें तो उसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं। बीन्स जो है कुछ लोगों ने खाना होता है, कुछ ने नहीं खाना होता, और जो दूध है वो प्योर नहीं आ रहा। इसीलिए आज बात करते हैं ऐसे ही प्रोटीन की, यानी पंपकिन सीड की, जो रिच प्रोटीन है और बिल्कुल ओरिजिनल है और जो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन वो दोनों के लिए ही बहुत बढ़िया है। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है जो कि हम खाने से लेते हैं, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर उस एनर्जी को एक्सरसाइज के थ्रू बर्न नहीं किया जाए तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमारी बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए आप रूटीन में एक नियम बना लें, एक रेगुलेशन बना लें अपना कि आपने एक्सरसाइज या योगा ज़रूर करना है ताकि आपकी बॉडी में फैट नहीं बढ़ सके। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि पंपकिन सीड पर। पंपकिन सीड जो भी लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चों के ब्रेन है वो स्ट्रांग हो, उनके बोन्स हैं वो भी स्ट्रांग हो, उनका ब्रेन शार्प हो और बोन स्ट्रांग हो, तो उनको पंपकिन सीड ज़रूर देना चाहिए। चाहे तो आप उन्हें रोस्ट करके दें, चाहे वैसे ही, लेकिन बच्चों की पूरी तरह विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कुछ बच्चे तो दूध पीते ही नहीं हैं, कुछ लोगों को एलर्जी करता है इस कारण से। इसीलिए ये एक ऐसा प्रोटीन है जो सबको सूट करता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे यंग हो, चाहे बच्चे हो। इसीलिए जो भी लोग अपना ब्रेन शार्प करना चाहते हैं और अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं उन्हें पंपकिन सीड ज़रूर लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि पंपकिन सीड को कैसे ले सकते हैं और किस बीमारी में पंपकिन सीड को कितना लेना है। आप इसे रोस्ट करके भी ले सकते हैं और नॉर्मली जो पंपकिन सीड निकलते हैं उन्हें पील करके भी खा सकते हैं। अब बात करते हैं किस बीमारी में कितनी क्वांटिटी में इसे लेना है। तो आपको बता दिया जाए जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो नाश्ते में 2 चम्मच रोस्ट किए हुए पंपकिन सीड लें, उन्हें रोस्ट कर लें और उसके बाद उसे पील करके खा लें। ऐसा करने से डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है। जो भी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं या फिर छोटी छोटी बात की बहुत बड़ी टेंशन लेते हैं उनको भी ये ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर टिप्टोफैन तत्व की कमी के कारण चिंता बढ़ती है। और जो पंपकिन सीड है उसमें विटामिन बी होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है।
इसीलिए अगर आप इन्हें रेगुलर लेते हैं तो चिंता नहीं होगी, क्योंकि जो टेंशन है वही सारी बीमारियों का बेस है, वही सारी बीमारियों की जड़ है। इसीलिए आप पंपकिन सीड 2 चम्मच रोस्ट किए हुए, जिनको भी टेंशन है वो भी ज़रूर कंज्यूम करें। उसके बाद बात करते हैं जॉइंट पेन की। पंपकिन सीड में यानी कि पेठे के बीजों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो पुराने से पुराने जॉइंट पेन के लिए बहुत लाभदायक हैं। जिनको भी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है उन्हें 2 चम्मच अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 चम्मच पंपकिन सीड ज़रूर खाने चाहिए। इसके अलावा आपको बता दिया जाए, जिनको भी यूरिन प्रॉब्लम है यानी कि यूरिन में जलन होती है, या फिर ये कहें कि अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है, तो उनको 3 से 4 चम्मच पूरे दिन में कभी भी खा सकते हैं यूरिन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। जिनकी भी बोन्स बहुत कमज़ोर हैं और वो दर्द करती रहती हैं, या फिर जब वो थोड़ी सी किसी चीज़ के साथ टकराती हैं तो दर्द करने लग जाती हैं, ज़्यादा चलते हैं तो दर्द करते हैं, कि कईयों लोगों के घुटने दर्द करते हैं, कुछ के लोगों के हाथ दर्द करते हैं, तो यानी कि अगर बोन्स जिनकी भी वीक हैं उनको पंपकिन सीड ज़रूर खाना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा फास्फोरस और जिंक भी होता है, जो कि हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए ये एक रिच प्रोटीन सोर्स के साथ साथ हमारी हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप 3 से 4 चम्मच एक दिन में ज़रूर कंज्यूम करें। जिनको भी नींद नहीं आती, नींद न आने के कारण और चिंता के कारण भी बहुत सारी बीमारियां हमें लग जाती हैं, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए जिनको भी नींद न आने की प्रॉब्लम है तो उनको रात को सोते टाइम अपने दूध में 2 से 3 चम्मच पंपकिन सीड को बीट करके ज़रूर लेना चाहिए, ताकि उसको आराम से नींद आ सके। इसके अलावा आपको बता दिया जाए, जो भी लोग अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, यानी कि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है, बहुत जल्दी कोई भी बीमारी लग जाती है, उन्हें भी पंपकिन सीड ज़रूर खाना चाहिए। हमारी पूरी की पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, वो 3 से 4 चम्मच पंपकिन सीड को खाने से पूरी हो जाती हैं। ये नहीं कह सकते इसे ठंडे दूध के साथ नहीं लेना, इसे गर्म दूध के साथ नहीं लेना, इसे कच्चा नहीं, आप जैसे भी चाहें इसे कंज्यूम कर सकते हैं। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की बीमारी है उन्हें भी ये ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें रिच फाइबर होता है। जो भी लोग कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, कोलेस्ट्रॉल जिनका भी बढ़ता है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से बाहर करता है। जिनको भी एसिड बनता है, अगर वो लोग पंपकिन सीड लेते हैं तो उनको एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो एसिड बनने की जो प्रक्रिया है उसको बंद करता है। इसीलिए जो भी एसिड बनने से परेशान है, जलन से परेशान है, उनको भी ये ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को पंजाबी में सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पंजाबी में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप इसे पंजाबी में भी सुन सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।